हाय एवरीवन, आज की हमारी रेसिपी है मीठी सी तीखी सी आम की लौंजी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो झटपट इसको बनाएं और स्टोर करके रखें। तो देखते हैं आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आम की लौंजी के लिए पैन में हमने 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद गैस को सिम कर दिया है। इसके बाद हम खड़े मसाले डाल रहे हैं। इसमें हम डाल रहे हैं करीब 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई सौंफ, 1 टेबलस्पून साबुत सौंफ, और इसके साथ ही में 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना। इन सब चीज़ों को हम सरसों के तेल में डाल के हल्का सा सॉटी करेंगे। हल्का सा ये जब भुन जाएगा तो बाकी मसाले हम डालेंगे। यहाँ हमने लिया 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून भुना जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून चाट मसाला। 1/2 से 1 टीस्पून चाट मसाला आप डाल सकते हैं। तो उसको डाल के हल्का सा भून के, यहाँ मैंने लिया है 3 कच्चे आम जिनको मैंने धो के अच्छे से उसकी फांके काट ली हैं छीलने के बाद, और ये करीब हमारा है 300 ग्राम आम का गूदा। तो 300 ग्राम आम है ये। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद हम डाल रहे हैं करीब 1.5 कप पानी। अब पानी को हम गर्म होने देंगे। अच्छे से पानी जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो यहाँ मैंने लिया हुआ है 1 कप गुड़। 1 कप यानी ये करीब 150 ग्राम गुड़ है। जितनी हमने आंबिया का गूदा था उससे आधा हमने गुड़ लिया है। थोड़ा बहुत आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस गुड़ को हम धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे ढककर। करीब 12 से 15 मिनट लगेंगे इसमें। देखिए उबाल आ गया है। इसी तरह गुड़ हमारा इसमें गलता रहेगा, पकता रहेगा, टेस्टी सी लौंजी हमारी बनती रहेगी। तो ढककर आप 12 से 15 मिनट पका लीजिए। तो देखिए इस तरह से ये हो जाएगा, आंबिया हमारी गल जाएगी, रसा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। इस टाइम पर हमें गैस को बंद कर देना है। थोड़ा इसको रसीला ही रखना है क्योंकि रखने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो तैयार है कितनी झटपट बनने वाली हमारी आम की लौंजी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको आप जार में बंद करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो देखिए कितनी टेस्टी सी मीठी सी हमारी आम की लौंजी एकदम तैयार है।